सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा, सबकी बात सुनी जाएगी। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्य करते हैं। कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक सम्मान करता हूँ। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है, मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। कैंडिडेट्स जो हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे लिस्ट से कि नहीं? देखिए, हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे
राष्ट्रीय नेतृत्व सभी कार्यकर्ता हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली हैं। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो परिवार मजबूत होता है। और इसीलिए मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से जो जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूँगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव हो गया वो भी हम दूर करेंगे, लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्य करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हूँ, अनुसूचित जाति समाज का, पेरेड वाड़ी का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अखनूर का। इसलिए मैं और जो मेरे कार्यकर्ता पूरे अभी प्रगवाल से लोग आ रहे हैं, अखनूर से लोग आ रहे हैं, जोड़ी से लोग आ रहे हैं। क्या रोष प्रकट कर रहे हो? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए। जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में, ठीक है। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से SSP मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।